गायत्री साधना से आत्मा निर्मल प्रकाशवान होकर ईश्वरीय शक्तियों, गुणों, सामर्थ्यों एवं सिद्धियों से परिपूर्ण बन जाती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आज की पुस्तक गायत्री की गुप्त शक्तियाँ। साधनाएं तो अनेक हैं, पर क्या आप ये जानना चाहेंगे कि उन सब में सबसे सरल, सुलभ, श्रम साध्य और शीघ्र फलदायिनी साधना कौन सी है? वह कौन सी साधना है जिसमें गलती होने पर भी किसी का अनिष्ट नहीं होता? उस साधना का नाम है गायत्री साधना। गायत्री साधना से आत्मिक कायाकल्प हो जाता है, परंतु जो वस्तु जितनी अधिक महत्वपूर्ण होती है उसकी प्राप्ति उतनी कठिन भी होती है। पात्र कुपात्र हर कोई गायत्री शक्ति का मनमाना प्रयोग ना कर सके, इसलिए कलयुग से पूर्व ही गायत्री को कीलित कर दिया गया। गायत्री मंत्र के शाप विमोचन तथा उत्कीलन का रहस्य और उसके 24 अक्षरों का ज्ञान विज्ञान विस्तार से समझने और उसका लाभ प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत है एक छोटी सी पुस्तक। पुस्तक के सद्वाक्य: तप के द्वारा ही आत्मा में वह प्रचंड बल पैदा होता है जिसके द्वारा सांसारिक तथा आत्मिक जीवन की समस्याएं हल होती हैं। अर्थवेद में गायत्री को आयु, विद्या, संतान, कीर्ति, धन तथा ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली कहा गया है। गायत्री साधना प्रत्यक्ष तपश्चर्या है, इससे तुरंत आत्मबल बढ़ता है। विश्वामित्र ऋषि का कथन है, गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं है। गायत्री सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम मंत्र है। पुस्तक के मुख्य बिंदु: गायत्री की गुप्त शक्तियाँ, गायत्री का शाप विमोचन और उत्कीलन का रहस्य।